ये इंसान बात करता है मंगल पर जीवन बसाने की, ये इंसान बात करता है मंगल पर जाकर मरने की, ये इंसान जहां एक और पृथ्वी को सुरक्षित करने की बात करता है वहीं दूसरी तरफ यहां से पलायन करने के रास्ते भी दिखाता है। दोस्तों, दुनिया में आज तक जितने भी जीनियस हुए हैं उन्होंने दुनिया को बदलने के लिए बहुत बहुत बड़े कदम उठाए। उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो एलन मस्क के कैलिबर से मैच करते हैं। आप सभी ने निकोला टेस्ला, एलन ट्यूरिंग, राइट ब्रदर्स, हेनरी फोर्ड्स का नाम सुना होगा। ये सभी वो लोग थे जिन्होंने पुरानी परंपराओं को ठुकराया, दुनिया से मिल रही चुनौतियों को स्वीकार किया और ऐसे आविष्कार किए कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। इनके आविष्कारों ने दुनिया का कायाकल्प कर दिया था। अगर हम आधुनिक युग के जीनियस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो एलोन मस्क का है। जिन लोगों ने एलोन मस्क का नाम नहीं सुना है तो वो ये जान लें कि ये वही इंसान है जिसने पेपॉल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी जैसी कंपनियों को खड़ा किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनोवेटिव प्रयास किए और कर रहे हैं जिसका प्रभाव विश्व स्तर पर हुआ है। एलोन मस्क एक इंजीनियर, एक इनोवेटर, एक विजनरी लीडर है जिसकी अलग तरह की सोचने की क्षमता ने दुनिया को हैरान कर दिया है। कुछ लोग तो उनकी तुलना आयरन मैन मूवी के हीरो टोनी स्टॉक से करते हैं। एलोन मस्क का जन्म 18 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। दोस्तों, उनके पिताजी एक इंजीनियर और माँ उनकी डायटिक्स विशेषज्ञ थी। जब एलोन 9 साल के थे तो इनके माता पिता दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे और एलोन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में ही रहने लगे थे। एलोन के अलावा उनके दो छोटे भाई बहन भी थे। एलोन किताब पढ़ने के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। और 12 साल की उम्र में एलोन ने अपने ही घर में रखे कंप्यूटर पर, दोस्तों अपने ही घर में रखे हुए कंप्यूटर पर खुद से ही किताबें पढ़ पढ़कर प्रोग्रामिंग की तथा बेसिक लैंग्वेज की मदद से एक सॉफ्टवेयर गेम बनाया जिसे उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दिया और अपने ही स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एलोन किसी धनवान पिता के बेटे थे तो आप गलत हैं। जैसे तैसे 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो अपनी माँ के पास कनाडा रहने चले गए। 1995 में उन्होंने फिजिक्स में PhD करने का मन किया। इसके लिए वो कनाडा से US शिफ्ट हो गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन US में आते ही उन्होंने इंटरनेट की बूम का अंदाजा हो गया था दोस्तों, और शुरू के 2 दिन में ही PhD की पढ़ाई छोड़ दी तथा अपना पूरा का पूरा ध्यान इंटरनेट पर लगाया और अपने भाई किम्बे मस्क के साथ मिलकर एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 का निर्माण किया। ये कंपनी ऑनलाइन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। बाद में Zip2 को कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया। उसमें अपनी 7% की हिस्सेदारी, केवल 7% की हिस्सेदारी से मिले लगभग $22 मिलियन के कुछ हिस्से से x.com वेबसाइट बनाई जिसका नाम बदलकर बाद में पेपॉल कर दिया गया। इस कंपनी ने पेमेंट इंडस्ट्री में हमेशा के लिए बदलाव ला दिया। जुलाई 2002 में ebay.com ने $1.5 बिलियन में से खरीदा जिसमें से $165 मिलियन एलोन मस्क को मिले। अब तक एलोन मस्क एक उद्यमी के रूप में, एक बहुत बड़े उद्यमी के रूप में स्थापित हो चुके थे। लेकिन वे सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा अलग अलग कंपनियों में लगा दिया, अपने सभी खर्च कम कर दिए, जिसकी वजह से लॉस एंजल्स में जाकर उन्होंने अपने दोस्तों के यहाँ पे किराए पर रहने लगे। दोस्तों, $165 मिलियन के मालिक किराए पर रहने लगे, आप ये सोचकर बड़े हैरान हो रहे होंगे। 2002 में एलोन ने स्पेसएक्स कंपनी बनाई जो कि दुनिया की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है जिसका मकसद मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने का है। एलोन ने स्पेस साइंस और एरोनॉटिक्स की कोई डिग्री नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने एरोनॉटिक्स की किताबें घर में ही पढ़ पढ़कर इसकी जानकारी इकट्ठा की। इतना जीनियस है ये इंसान। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट पर बहुत से पैसों की और टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सैटेलाइट को पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजकर पैसे कमाने का प्लान बनाया। परंतु इसके लिए उनके पास रॉकेट बनाने की टेक्निक नहीं थी। रॉकेट्स खरीदने के लिए वो रूस गए जहां उन्होंने देखा कि रॉकेट्स की कीमत बहुत ज्यादा है, जिससे सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचाना बहुत ही महंगा हो गया था। तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना खुद का रॉकेट ही बनाया जाए। ये फैसला एक ऐसा फैसला था जो किसी भी प्राइवेट कंपनी ने आज तक नहीं लिया था। उन्होंने खुद की ही टेक्नोलॉजी से खुद के ही रॉकेट बनाए और अपने रॉकेट को स्पेस में भेजने की तैयारी की। लेकिन सफलता को पाना इतना आसान नहीं था दोस्तों। एक के बाद एक लगातार 3 रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच पाए और बीच में ही क्रैश हो गए। इन तीनों ही असफलताओं ने एलोन को फाइनेंशियली कंगाली की कगार पर ला दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे दीवानगी की हद तक हों
और कुछ भी कर गुजरने का जज्बा पागलपन की हद तक पहुंच जाए तो सफलता को घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। एलोन के साथ भी ऐसा ही हुआ। तीनों असफलताओं से वो निराश नहीं हुए और उन्होंने कंगाली के गगार पर पहुंचकर भी एक बार फिर प्रयास करने का फैसला। उनके इस फैसले से लोग उन्हें पागल सनकी तक कहने लगे, लेकिन इस जीनियस ने अपनी सभी पिछली गलतियों में सुधार करते हुए अपनी नाकामयाबी को कामयाबी में तब्दील कर दिया। उनकी कामयाबी से स्पेस इंडस्ट्री में खलबली मच गई दोस्तों, खलबली कि कैसे एक इंसान जिसने कभी कोई रॉकेट साइंस की पढ़ाई ही नहीं की वो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने लगा है। स्पेसएक्स कंपनी अब तक स्पेस ट्रांसपोर्टर बन चुकी थी, जो नासा जैसी स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाती है। स्पेसएक्स से पहले रॉकेट रियूजेबल टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं थे, जिसमें रॉकेट केवल एक बार ही प्रयोग किए जाते हैं और वे रॉकेट स्पेस से धरती पर वापस कभी नहीं आते। लेकिन स्पेसएक्स के रॉकेट, जो कि एलोन मस्क का एक ऐसा ख्याल था जिसको करना कभी संभव नहीं था, उसमें रियूजेबल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें वो एक ही व्हीकल से एक के बाद एक सभी मिशन पूरे कर सकते हैं, जो कि इसरो, नासा समेत बड़ी बड़ी एजेंसियों के लिए एक चुनौती है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, एलोन एक ऐसा सैटेलाइट स्पेस में डालना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर किसी भी जगह बिना नेटवर्क प्रॉब्लम के बहुत ही कम खर्च पर लोग तेज इंटरनेट चला पाए। दोस्तों, स्पेसएक्स की सफलता के बाद एलोन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एलोन ने 2004 में टेस्ला मोटर्स कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया, जिसका मिशन इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने का है। एलोन ने अपने विजन और हुनर से टेस्ला के सीईओ बन गए। टेस्ला मोटर्स का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है दोस्तों, क्योंकि एलोन ने पहले ही भांप लिया था कि उस आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक्स कारों का है। लेकिन एलोन इसके बाद भी नहीं रुके, उन्होंने एक और कंपनी की नींव रख दी, जिसका नाम है सोलर सिटी, जो यूएस की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी है। इसके बाद उन्होंने एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत की, हाइपरलूप। यह एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसमें लोग ट्रेन में बैठकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की गति से ग्राउंड लेवल पर सफर कर पाएंगे। यह वैक्यूम और मैग्नेटिक एनर्जी पर बना अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, जो अभी ट्रायल अवधि पर है, जो पूरा होने पर ग्राउंड लेवल पर दुनिया का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, जो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज होगा। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्यों एलोन मस्क को दुनिया ने सराहा है। उनकी सफलता से प्रभावित होकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेसएक्स के साथ $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन। इतना ही नहीं, गूगल और फिडिलिटी ने भी 1 बिलियन का करार एलोन मस्क के साथ किया है। दोस्तों, इंसान एक ही है, लेकिन काम कितने सारे किए हैं। और अभी भी जो इनका सपना है वो तो दुनिया को चांद पर नहीं, मंगल पर पहुंचाने का है। ऐसे हैं एलोन मस्क। आपको मेरी ये वीडियो एलोन मस्क के बारे में कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली जितनी मेरी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।